इस मौजू पर बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान की दो मुमताज तरीन शख्सियात जो कि बहुत तवील तजुर्बा रखती हैं बैन अवी तल्लत के हवाले से पाकिस्तान की दिफाई सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के हवाले से और पाकिस्तान की सफारतकारी के हवाले से जना मुशाहिद हुसैन सैयद हमारे साथ हैं चेयरमैन सैनट कायमा कमेटी बरए दिफा डॉक्टर मलिया लोधी पाकिस्तान की सबक मुस्तकिल मंदूब अखवा मुत सबक सफ़ीर अमरीका बरतानिया और बहुत ही सीजन न्यूज़ जनलिस फॉरन अफेयर्स सिक्योरिटी अफेयर्स जर्नलिस हमारे साथ हैं मुशाहिद साहब ये बताइएगा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तल्ल कभी

उनके 40 साल के बाद इतने बुरे ताल्लुक हमारे हुए हैं कि एक बाब्ता एक हमला हुआ जिसकी मजम्मत पूरी पाकिस्तानी कौम ने की और जायज़ की और गो के हमारा जो रदल है बिल्कुल मेच्योर और मेजर्ड और सही रदल है जैसे आपने भी फरमाया मतलब मुतात से ने किया और हमने ईरान के कभी मफादा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया इवन अफगान जहाद में जियाद मुझे याद है मुझे जनरल जिया साहब ने बताया था कि उनको कहा गया कि ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन करें उन्होंने नहीं किया और उन्हीं के दौर में 1987 में इन्होंने हिट स्क्वाड भेजा था मुजाहिन ख़ल के कुछ लोगों को मारने के लिए वो पकड़े भी गए लेकिन हमने उनका खामोशी से वापस भी कर दिए तो हमने हमेशा ईरान के मफाद का तहफ़ किया हालाँकि अमरीका के साथ कुर्बत जितनी भी हो और भी इश्यूज आए तो ईरान ने उसका लिहाज नहीं किया और मुझे दुख हुआ कि इस किस्म के जहराना अप्रोच शायद जो ईरान की डीप स्टेट है जो रेवोलूशनरी गार्ड्स हैं उनका है ये अप्रोच या ईरान ने जिस तरह एक हैट्रिक कर ली है मुसलमान हमले पर इराक सीरिया पाकिस्तान और उस वक्त हमला ये हुआ है जब एक फ़लस्तीनीम मजहमत कर रहे हैं इसराइली जारियत का बेहतर तो होता कि तोपों के रुखरान से इसराइल के ख़िलाफ़ होते हैं कि हम यकजहती का इजहार करते हैं फलस्तीन के साथ ना कि मुसलमानों को हमला करके सारी तो उन्होंने इधर मखसूस करा दी मेरा ख्याल में इसराइल में तो बड़ी खुशी मनाई गई होगी इस बात की तो ये बड़ा दुख की बात है और इससे तल्लक बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं क्योंकि ये दहशत गर्दी पिछले साल अप्रैल में हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ चार हमारे फ़ौजी शहीद हुए हमने फिर भी उसका कोई अमल नहीं किया और ये पाँचवा वाक़ हुआ है पिछले कई सालों में पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ ईरान के जो इंक्रोचमेंट कह लें जारियत कह लें हमला कह लें लेकिन पाकिस्तान ने बड़े मेचोरिटी और अब भी जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल ठीक आया है लेकिन ये है कि ईरान इस इशू पर अब मुस्लिम दुनिया में और इस खत्ते में मेरे ख्याल में तना रह जाएगा आइसोलेट हो गया है और ईरान के अपने मफादात को इससे बहुत नुकसान पहुँचा डॉक्टर मलिया लुदी साहब आप बताइएगा कि ईरान का ये हमला जो है यकीनी तौर पर एक सोची समझी एक बड़ी कार्रवाई है और इसके कॉन्सिक्वेंसिस के हवाले से भी उन्होंने सोचा और यकीनी तौर तो पर इस वक्त जो ईरान की अंदरूनी सूरत हाल है आलमी सतह पर जो सूरत हाल है फिर पाकिस्तान के हवाले से यह हमला करना पाकिस्तान को किसी भी इसी जगह पे पुश करना जिसको हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह सकते हैं क्योंकि बहरहाल हुकूमत ने एक सफारती रिस्पॉन्स तो दिया है मगर आवाम की तसली तो नहीं हो रही है अगर आप पर हमला होता है और एलानिया हमला होता है और उसको कबूल करती है एक बैन अवी क़ोत तो उसका जवाब सिर्फ सिफारती तो तौर पर नहीं होता है फिलहाल पाकिस्तान ने बड़े गैर जज्बाती अंदाज़ में बड़ा मेजर्ड रिस्पांस दिया है मगर शायद आवाम की तसली नहीं हो रही है ये, आ, ये हालात किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं देखिए जो ईरान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक हुई है ये बहुत ही हैरान कन है और वह इसलिए कि एक ही दिन पहले एक बहुत ही सीनियर लेवल ईरानिय डेलीगेशन यहाँ मौजूद था इस्लामाबाद में और मुकर में बल्कि वो मसरूफ था उसके साथ साथ हमारे एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रहा था ईरान के साथ और आपको मालूम है कि हाल ही में हमारे जो राबे हैं वो बढ़ गए थे ख़ास तौर पर जब सऊदी अरेबिया और इरान के दरम्या मुफामत हुई राशमा हुआ जो चीन ने करवाया उसके बाद से पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिप्लोमेटिक ऑप्शन और डिप्लोमेटिक आ, 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 स्पेस खुल गई थी जिसके पाकिस्तान ने पूरा फ़ायदा उठाया ईरान से अपने तजारती तल्लुत में भी इजाफा किया तो इस बैकग्राउंड में ईरान का इस तरह से स्ट्राइक करना पाकिस्तान की सॉब्रिटी को वायलेट करना वाकई ये डिफाइज लॉजिक एक लेवल पे समझ नहीं आती कि ये इस वक्त उन्होंने क्यों किया इसलिए कि इस एक्शन से ऐसे वक्त पर जबकि ईरान अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को तोड़ चुका था ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया के साथ रपरोचमा करने के बाद और बहुत सारे अरब ममालिक हैं वो भी ईरान के साथ ताल्लुक नॉर्मलाइज करने को तैयार थे तो उन्होंने एक ऐसा एक्शन इस वक्त लिया जिससे कि उनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जो है वो ज़ाहिर है बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द अटैक्स ऑल्सो इन सीरिया एंड इराक तो इस इन सारी एक्शन से ये नहीं समझ आती कि ईरानियन लीडरशिप की कैलकुलेशन क्या है आ, ये ज़रूर है कि ईरान को डोमेस्टिक प्रेशर बहुत है ईरानियन लीडरशिप पे ख़ास पे इसलिए कि उन्होंने गाज़ा पे बातें ज़्यादा की हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं खास दिखाया उन्होंने तो एक तरह से उस पर दबाव पड़ रहा था ईरानियन लीडरशिप कि दिखाएं कि आपके पास ये स्ट्रेंथ है कि यू कैन एक्ट अगेंस्ट अदर कंट्रीज़ लेकिन जैसे सैनटर मुशाहिद साहब ने फरमाया उनका जो तोपों का रुख जो है वो कहीं और होना चाहिए था फिर अगर इस तरह का दबाव था तो पाकिस्तान को निशाना इस तरह से बनाना मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन पैदा हुई है लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रिलेशनस नहीं सस्पेंड किए हैं पाकिस्तान ने अपना सफ़िर वापस बुलाया है लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनस नहीं सस्पेंड किए तो इसमें एक अपरचुनिटी ज़रूर है मुस्कबिल के लिए कि रानियन हकूमत से कोई रिस्पॉन्स आए उनकी तरफ से अपोलोजी आए उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आए कि ये क्या हुआ किस तरह से हुआ जी। और उनको इससे पब्लिक माजरत करनी चाहिए ना कि जस्टिफाई करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या हम डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट से जो कशिश और तनाव है उसको कैसे खत्म करें जैसा तो आपने फरमाया कि ये, पाकिस्तान के वफाद में है कि सिचुएशन और इनफ्लेम हो जी। और ये जैसे आपने फरमाया यकीनन पाकिस्तान की قوم कम से कम चाहेगी कि ईरान एलानिया इस पे माजरात करे पाकिस्तान से माफी मांगे इस हमले पे मिश्रा साहब क्या इसकी एक वजह यह हो सकती है कि आम तौर पे जब इस किस्म की जंगी कार्रवाई होती है तो एक एक आम हमने ये देखा है तजुर्बा तो ये बताता है कि जो हुकूमत होती है वो किसी दबाव का शिकार होती है उसकी सिंकिंग और उसके रेटिंगज हो रही होती है और जैसे कि अभी डॉक्टर मलिया लोधी ने फरमाया कि इस वक्त ईरान की जो लीडरशिप है वो शदीद दबाव में है मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ज़ाहिर है कि ईरान अपने इंटेलिजेंस चीफ़ का दफा दिफ, नहीं कर सका सलेमानी उनको इसराइली इंटेलिजेंस ने मार दिया फिर उनकी जब पहली बरसी हुई तो उस पर फिर एक बड़ी एक्शन हुआ चाहे दाइश ने किया या किसने किया उसमें भी उनके सौ से ज़्यादा लोग गए, उसमें उनकी हलाकत हो गई और फिर ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं ईरानी बलूचिस्तान की जो पूरी सूरत हाल है ईरानी हुकूमत की ग्रिप जो है वो शायद है, अब मामलात पे और जो है वो ढीली हो रही है जिसके लिए उसने परहैप्स ये एक एक्शन किया है जिसमें उसने ये अटैक्स किए हैं पाकिस्तान इराक